हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न योर पोयम फर्स्ट ऑफ क्लास 10th इंग्लिश। आपको जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि आपके में कोई जनरल इंग्लिश स्पेशल इंग्लिश नहीं है, बार बार इसलिए बता रहे हैं कि हिंदी मीडियम वालों को कन्फ्यूजन ना हो, दोनों के लिए वीडियो सेम है। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट चैप्टर के बाद पोयम है, हमने क्या है पहले फर्स्ट चैप्टर किया था, उसके बाद सेकेंड चैप्टर थोड़ा ले लिया था बीच में, उसका पार्ट वन बताया था हमने आपको, पोयम नहीं बताई थी। तो फर्स्ट चैप्टर के बाद जो आपकी पोयम है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द पोयम नेम इज द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसमें क्या है, दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। ये जानी मानी पोयम है चॉइस के बारे में बताने के लिए, एंड द चॉइस दैट सेव अस, और वो चॉइस जो हमें सही हो, यानी कि हमारे लिए कुछ कर सके, हमें कुछ प्रेरणा दे सके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है, ये एक अमेरिकन पोएट है, हु राइट्स सिंपली, जो साधारण लिखते हैं, बट इन स्लाइट फुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। वो कुछ साधारण और कॉमन और साधारण एक्सपीरियंस के बारे में अपनी पोएम्स में शेयर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। दिस इज अ फोर स्टैंजा पोएम, इसमें चार स्टैंजा हैं, एंड ईच स्टैंजा हैज फाइव लाइन। हर स्टैंजा में पांच पांच लाइनें हैं। तो पहली लाइन है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो इसमें दो सड़कें हैं, दो रोड्स हैं, डाइवर्ज मीन्स डिवाइड करना, बांटती हैं इसको, एक येलो वुड उसमें दो सड़कों को बांट रहा है, जंगल, यहाँ पर जंगल की बात हो रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो यहाँ, आई मतलब पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि यहाँ एक दो रोड को एक जंगल बांटता है और मैं दोनों पे सफर नहीं कर सकता हूँ। आप भी जान दो ये बात, तो जब एक दो रोड होंगे तो अपन एक ही पे जा पाएंगे, दो पे जा नहीं पाएंगे अपन साथ में। तो एंड वी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इट द अंडर ग्रोथ। अभी ये खड़े हुए, अब वो सोचते हैं, एंड वी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड, और जाने से एक रास्ते पे चलना है, और थोड़ा सा खड़े हुए पहले वो सोचते हैं और देखते हैं, जितना कि मैं देख सकता हूँ उतना मैं देखता हूँ। और जब वो देखते हैं, वेयर इट वेंट, जहाँ वो अंदर जाके बिल्कुल गहरा घना जंगल दिखाई देता है। अंडर ग्रोथ मीन्स होता है पूरा गहरा घना जंगल। पहली लाइनों में क्या है, दो रोड्स हैं जो जंगल उनको बांटता है, येलो वुड्स बांटता है, और पोएट कहते हैं हम सिर्फ एक जंगल पर जा सकते हैं, एक रास्ते पर जा सकते हैं, दो पे नहीं जा सकते हैं। अब वो खड़े होकर दोनों रास्तों को देख रहे हैं कि वो किस रास्ते पर जाएं। सेकंड में है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उन्होंने सोचा दूसरा लें तो थोड़ा सा क्लियर, फेयर में साफ दिख रहा है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो शायद जाने के लिए बेहतर है, बिकॉज इट वॉज ग्रेडी एंड वॉन्टेड वेयर थ्रो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्म दे रियली अबाउट द सेम। अब उन्होंने कहा दो में से एक रास्ता कैसा है, वहाँ कम घास है और कम जंगल है, क्यों वहाँ, क्योंकि वहाँ से बहुत से लोग निकल चुके हैं, यानी कि जो एक रास्ता है उस पर बहुत लोग जा चुके हैं, तो वहाँ पर क्या है, जब जाते जाते तो वहाँ पर वो जाने की रास्ता बन जाती है, और जहाँ नहीं जाते वहाँ ज़्यादा जंगल बना रहता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड उन्होंने बताया है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन टू मी आई डाउटेड इट आई शुड एवर कम बैक। अब वो कहते हैं, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, यानी कि दोनों बराबर हैं, दोनों पर जंगल है, इन लीव्स नो स्टेप, पत्तियाँ हैं हर कदम पर, कोई पूरा यानी कि जंगल पूरा है, अंधेरा है। अब वो कहते हैं, हो सकता है जो रास्ता मैं चुनूं, यानी कि दो रास्ते हैं, पहले दिन हम इस रास्ते पर जाएं, हो सकता है वो रास्ता घना हो, अच्छा ना हो, मुझे पता नहीं है। और उन्हें शक है इस बात का कि मुझे नहीं पता कि मैं एक रास्ते पर जाने के बाद वापस भी आऊँगा, दूसरे रास्ते पर जा पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, ये सारी चीज़ें वो कहना चाहते हैं, एक साई मीन्स होता है डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना। कहते हैं, समवेयर एज एन एजेज हैंस,
और कहीं ना कहीं बहुत युगों युगों तक टू रोड्स डिवाइडेड वुड, दो सड़कें बटी होती हैं, एंड आई टू द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो चुनी जिस पर कम लोग होकर निकले हैं। मोस्ट लोग क्या करेंगे, ये रोड जहाँ से यहाँ बहुत से लोग गए हैं तो ये रोड अच्छा होगा, तो लोग यहाँ से गए हैं, लेकिन उन्होंने वो रोड चूज की जिस पर से कम लोग निकले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। और जो रोड उन्होंने चुनी जिस पर कम लोगों ने ट्रेवल किया था, वो रोड ने ही कुछ उनके जीवन में डिफरेंट अलग से किया। तो ओवरऑल पोएम में क्या है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि दो रोड्स आपकी जिंदगी में होते हैं। यहाँ रोड से मतलब कोई रोड नहीं चुन रहे हैं, वो कोई रोड नहीं जान पर नहीं जा रहे हैं। एक कहने का मतलब उन्होंने लाइफ के बारे में बताया है कि लाइफ जो होती है हमेशा दो रास्ते देती है। कभी कभी क्या होता है, दो रास्तों पर हमें चलना पड़ता है, तो आप उसमें सोचने पड़े तो किस रास्ते को चुने। क्या होता है, एक रास्ते बहुत से लोग गए होते हैं, एक रास्ता ऐसा वहाँ से कम लोग गए होते हैं, तो आपको लगता है जहाँ से बहुत से लोग गए हैं उसी पे हम चलें तो हमें भी सक्सेस मिलेगी। लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, इन्होंने एक अलग से रास्ता चुना, इस पर कम लोग ट्रेवल किया था। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ हटके करते हो तो आपको सफलता नहीं मिलती है, कि आप किसी को फॉलो करो तभी सफलता मिलेगी। तो इस टाइप में इन्होंने जीवन के बारे में बताया है कि जीवन में किस तरीके से आपको चॉइस करनी पड़ती है, कैसे आप चूज करते हो, आपके सामने कई रास्ते खुले होते हैं, आप कौन से रास्ते पर चलते हो और कैसे आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते हो। तो इसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने एक्सपीरियंस को बताया, यानी कि इस पोएम के थ्रू वो यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको अपने जीवन के रास्ते चुनने चाहिए। और नहीं समझ में आया तो लाइव क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू। सो आपको इसमें और देख लेना, जो भी समझ में नहीं आया हमसे पूछ लेना, और आपको जो भी डाउट हो सो देखते हैं। ओके, थैंक यू।